अस्सलाम वालेकुम, सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, आज की जो हमारी वीडियो है, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं उसमें आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई भी भाई अगर अपने मोबाइल में अपनी टिकटॉक के अकाउंट को लॉग आउट करता है और जब लॉग इन करता है तो वहाँ पर 2-स्टेप वेरिफिकेशन कोड एक्सपायर बताता है। इस वीडियो में इसी का सोल्यूशन बताने वाला हूँ, तो आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लेना है। एक न्यू मेथड बताऊँगा जो इंशाल्लाह आप अपने ओरिजिनल टिकटॉक अकाउंट को जो है रिकवर करके वापस ला सकते हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से समझ लेना है। और आप लोगों से हमारी छोटी सी गुजारिश है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली ऐसी हर न्यू वीडियो, ऐसी हर न्यू अपडेट आप तक आसानी से पहुंचे। सो गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, मेरा जो टिकटॉक ओरिजिनल अकाउंट था जिसका 1,23,000 कुछ फॉलोअर थे और 1.5 मिलियन लाइक थे, वो भी इसी तरह मैंने लॉग आउट किया और लॉग इन करने पर जो है टिकटॉक पे जो है उसका एक्सपायर बता रहा है 2-स्टेप वेरिफिकेशन। तो उसको मैंने प्ले किया, चलाया है, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है अपने प्रोफाइल में जाता हूँ और यहाँ पर जो है ऐड अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यूज़ फ़ोन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी जो है डेट ऑफ बर्थ जो है ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर जो ही मैं अपना नंबर ऐड करूँगा तो यहाँ पर मैं अपना नंबर ऐड करता हूँ। जल्दी से अपना नंबर ऐड करने के बाद गाइस, यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से इसका 2-स्टेप वेरिफिकेशन दूसरा कोड आएगा, आपको आपने वो ऐड कर देना है। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपना कोड जो है डायल किया। डायल करने के बाद कॉल आई, मैंने पिक की, कॉल में जो कोड था वो सुना और यहाँ पर मैंने डायल किया। डायल करने के बाद गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-स्टेप वेरिफिकेशन, इंटर योर 6-डिजिट कोड एंड ईमेल विद 6-डिजिट वेरिफिकेशन कोड वाज जस्ट सेंड टू, आगे जो है ईमेल लिखी है और उसका जो है कोड यहाँ पर नहीं आ रहा। अगर कोई भी कोड डायल करते हैं तो यहाँ पर जो है एरर देता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एरर दे रहा है। तो गाइज, अब इसका जो सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपने क्या करना है, यहाँ से आगे वाला जो काम है उसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना। आपने क्या करना है, आपने जाना है बैक। बैक जाने के बाद गाइज, एक लिंक है मेरे पास जो कि मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आपने डायरेक्ट एक टिकटॉक का वर्जन जो है डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पहले जाता हूँ क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पर जो है मैं उसको यहाँ पर जो है पेस्ट करता हूँ, उस लिंक को मैं पेस्ट करता हूँ। कुछ इस प्रकार से पेस्ट करने के बाद आपने गो पे क्लिक करना है। जो ही गो पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने गाइस इसका इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर एक टिकटॉक का वर्जन है ये वाला, इसको आपने करना है यहाँ से डाउनलोड, ठीक है, 12.35 MB की है फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करना है डाउनलोड पे क्लिक। जो ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ था इसलिए कह रहा है डाउनलोड अगेन, तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड अगेन ही कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से गाइस, आपके साथ सामने लाइव प्रूफ के साथ ये जो है डाउनलोड हो गई है और यहाँ पर मैं इसको करता हूँ इंस्टॉल, ठीक है, यहाँ से इसको करता हूँ इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद गाइस, कुछ इस प्रकार से ये जो है इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो इसको हम इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल जब होगा तो आपने इसको सिंपली गाइस ओपन करना है कुछ इस प्रकार से। जो ही आप ओपन करेंगे तो आपने सिंपली जो है मी पे क्लिक करना है। मी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आएगा, साइन अप लिखा होगा तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है और यहाँ पर यूज़ फ़ोन और ईमेल जो है आपने ऐड करना है और यहाँ पर आपने डेट बर्थ जो है जो भी है आपकी आपने ऐड कर लेनी है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर आपने अपना जो भी फ़ोन नंबर है वही वाला ऐड करना है। तो गाइस, मैं इसको यहाँ पर सेंड कोड करता हूँ। सेंड कोड करने के बाद गाइस, कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक कोड जो है ये आएगा, आपका जो आपने यानी कि किया था, जो आपने नंबर दिया था उसी नंबर पे एक कोड आएगा। कोड आपने क्या करना है, उसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद गाइस, यहाँ पर उस कोड को आपने ऐड कर देना है। यहाँ पर जो हमारा कोड आया है वो 9667 है, तो यहाँ पर मैं 9667 को
ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद कुछ कुछ इस प्रकार से गाइज आपका इंटरफेस आ जाएगा खुल के। तो यहाँ पर मैं मी पे जाता हूँ। मी पे जाने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ये वाला अकाउंट है जो कि अभी जो है मैंने इसको लॉगिन किया है और यहाँ पर जो है ये लॉगिन हो गया है और यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ पहले की तरह। ठीक है गाइज, तो आप कुछ इस प्रकार से जो है अपना जो भी अकाउंट अगर आपका है वो आप इस तरह से उसको लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज आज की जो वीडियो थी यहाँ तक थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।